तो है आज वो अडानी और अंबानी की वजह से मत देश के साथ खेलो ना। हमारा और जो किसान का जो साथ है वो एक किस्म का चोली दामन का साथ है। नमस्कार, मैं शशि चौरसिया अर्थ प्रकाश टीवी पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं। तो हम देख रहे हैं कि 3 कृषि कानूनों को लेकर किसान जो अड़ा हुआ है कि इस कानूनों को रद्द किया जाए, आज उसी को लेकर आंदोलन जो है 14वें दिन में प्रवेश कर चुका है। और इसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा भी प्रस्ताव पास किए जा रहे हैं, प्रस्ताव रखे जा रहे हैं किसानों को के सामने, लेकिन कहीं ना कहीं किसान इसको भी मानने से तैयार नहीं है। जो हम पहुँचे मंडी में, यहाँ पर जानते हैं व्यापारियों का क्या कहना है इसको लेकर। तो आइए अब बात करते हैं ग्रेन मार्केट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रामकरण गुप्ता जी से। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि ये जो अभी आंदोलन जारी है, 14वें दिन में प्रवेश कर चुका है, उसको लेके सबसे पहले तो आप क्या कहना चाहेंगे किसानों को और सरकार को? देखिए, सरकार ने संसद में किसानों की बेनिफिट के लिए 3 कृषि कानून बनाए हैं, लेकिन फिर भी किसान लोग इससे चिंतित हैं कि यहाँ कोई ना कोई कमी है। और सरकार ने पूरे खुले दिल से इसमें संशोधन करने के लिए कल प्रस्ताव भी भेजा है। और सरकार ये भी कह रही है कि अगर किसानों को फिर भी ऐसा लगता है कि संशोधन में कुछ कमी आ रही है, वो संशोधन अपनी तरफ से पेश कर सकती है। सरकार ने ये डिमांड की है, सरकार ने कहा है। सो मैं समझता हूँ मिलजुल कर किसान भाई वो जो भी वो संशोधन चाहते हैं उसमें संशोधन कराने की पेशकश उनको सरकार के आगे करनी चाहिए। इस आंदोलन की वजह से तो परेशानी यही है कि लोगों के माल आने जाने में परेशानी होती है, यात्रियों को भी आने जाने में परेशानी हो सकती है, लेकिन मैं साथ साथ में सरकार की तरफ से काफ़ी कुछ कहा गया है। मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि मंडी में, पूरे हिंदुस्तान की मंडियों में अगर कोई भी मार्केट फीस के जो रेट हैं वो रेट बाहर भी निजी व्यवसाय जो लोग करेंगे, जो किसानों से खरीदेंगे या किसान बेचेंगे, बाहर भी वही रेट मार्केट फीस का लागू होना चाहिए। और मुझे लगता है सरकार इस मामले में भी उन्होंने अपनी पेशकश की है संशोधन में। तो इस तरीके से एक और चीज़ कि जो किसान है उसका और आपका, एक व्यापारी का क्या रिलेट करते हैं आप दोनों एक दूसरे से? देखिए, हम तो हैं, हम ट्रेडर्स हैं। बेसिकली जो आढ़ती हैं मंडी में, आढ़ती जो होते हैं, किसान लोग अपनी फसल आढ़तियों के पास ही लाते हैं ऑक्शन पे, ऑक्शन प्लेटफार्म पे, वहाँ बेचने के लिए। और कभी भी किसी किस्म की कोई दिक्कत किसान भाई को अगर आती है, कोई ज़रूरत पड़ती है, वो इन्हीं आढ़ती भाइयों पे ही आके अपनी फरियाद करते हैं। अगर उनकी ज़रूरतें भी पूरा करने का वो आढ़ती लोग प्रयास करते हैं। ये हमारा एक बड़ा अच्छा आपस में रिलेशन है आढ़तियों का और किसान भाइयों का। तो आइए जानते हैं कि सतपाल जी का क्या कहना है, ये एक पेशे से आढ़ती हैं, क्या कहेंगे कि आपका और किसान का एक क्या, आप दोनों का एक रिलेट करते हो, आप दोनों एक दूसरे से क्या वास्ता है आप दोनों? हमारा और जो किसान का जो साथ है वो एक किस्म का चोली दामन का साथ है, क्योंकि किसान हमारे पास लाता है अनाज बेचने के लिए, हम उसका अनाज बेचते हैं, हमारे को उसे कमीशन मिलता है, हम उससे अपना रोजगार चलाते हैं। और किसान है, किसान को किसी समय भी हमारे से ज़रूरत पड़ती है पैसे की तो हमारे से ले लेता है, जिस समय मर्जी हो, रात को हो, सुबह हो, उसको कहीं किसी चीज़ की इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब किसान जो है वो हमारे लिए बहुत अहम रखता है, क्योंकि हम जो है किसान से ही अपना रोज़गार चलाते हैं और किसान से ही हमारा जो पालन पोषण चलता है। और किसान हमारी ज़रूरत है, और अगर हमारे को बीच में से निकाल देंगे तो हमको रोज़गार कोई और ढूंढना पड़ेगा। अब हमारा सदियों से हमारी तीसरी चौथी पीढ़ी है जो हम ये काम हमारा चल रहा है, अगर ये काम नहीं चलेगा तो हमारा काम बंद हो जाएगा और किसान भटकता फिरेगा। किसान को हम हर चीज़ की सहूलत देते हैं यहाँ पर, जिस जैसे कि वो आता है उसको माल यहाँ प्लेटफार्म पे ढेरी करते हैं, उसका माल साफ़ करते हैं, हमने लेबर रखी हुई होती है और वो सारा काम हम उसका तसल्ली बख्श करते हैं और उसको पेमेंट देते हैं, जिससे कि उसको कोई दिक्कत नहीं आती यहाँ पर। तो इस टाइम में अभी आप लोगों को क्या परेशानियाँ आ रही हैं, ये पूरा किसान, सब किसान जो है अभी सड़कों पर है?
नहीं, सड़कों पे किसान है, अगर सड़कों पे किसान रहेगा तो हमारा तो बिजनेस प्रभावित होगा ही। अगर किसान हमारे पास अपना काम करेगा, खेतों में पैदावार ज़्यादा करेगा तो हमारे पास ज़्यादा माल लाएगा। अगर किसान वहाँ आंदोलन में लगा रहेगा तो उसकी प्रोडक्शन में ही फ़र्क पड़ेगा, और उसको उसको प्रोडक्शन कम होगी तो हमारे पास भी माल कम आएगा। तो मैं एक और क्वेश्चन जानना चाहूँगी आपसे कि कहा जा रहा है कि सरकार ने आरटीओ को ख़त्म करने का सोचा हुआ है, तो उनको लगता है कि सरकार को ये लगता है कि जो आरटीओ होते हैं किसानों के साथ धोखा करते हैं, तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, इसके बारे में ऐसे है, अगर अगर किसान को परेशानी है तो किसान ही बता सकता है कि हमारे को ये परेशानी है। हमारी तरफ से कोई परेशानी नहीं है, हम किसान आता है उसका काम करते हैं, सरली बख्श उसको पेमेंट दे देते हैं, उसका माल तोलते हैं। आजकल कोई ऐसा तो है ही नहीं भी चुपके से माल तोलते हैं। यहाँ ग्राउंड में ओपन ऑक्शन होती है, ऑक्शन के पास जमींदार को भी पता होता है मेरा क्या रेट माल बिका है। जब उसका माल बिकता है तो उसका वेट होता है, उसके सामने वेट होता है, उसको तोल के उसको पैसे देते हैं, हमको सिर्फ कमीशन कमीशन मिलता है। इसमें हमारे को मतलब ऐसा कहना भी बिचौलिए खा जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बिचौलिए कुछ नहीं खाते। जो माल बिकता है उसके हिसाब से उसको पेमेंट कर देते हैं, जिससे कि ज़मींदार संतुष्ट होकर जाता है। अगर ज़मींदार संतुष्ट नहीं होगा तो वो एजिटेशन में क्यों रोड़ा पा रहा भी आड़तियों को कायम रखा जाए, उसको आड़तियों से फ़ायदा होता है। इसलिए जो बिचौलिया होता है वो तो हर जगह काम आता है। इसलिए अगर सरकार इसमें कुछ जो भी कानून बनाती है उसके बारे में तो मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि ये सरकार का काम है, सरकार जो भी जो मर्जी कर सकती है, हम इसके बीच में कुछ नहीं बोलना चाहते। तो अंकल जी, मैं ये जानना चाहूँगी कि ये जो आंदोलन किसानों द्वारा चलाया जा रहा है उसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहता हूँ वो उनका बिल्कुल ठीक है, उनकी माने सरकार को मांगनी चाहिए। सरकार कह रही है कि ये बिल सही है, किसान कह रहे हैं कि सरकार ने उसको लेके आप क्या कहते हैं? बेटा, सरकार ने उनसे पूछा नहीं है, जब ये बिल बनाए हैं तो वो जितने जज हैं, जितने और लॉयर हैं, जितने और लोग हैं, वो सारे कह रहे हैं गलत है, तो वो लोग गलत हैं या तो उनको कन्विंस करें। इतने लाखों लोग वहाँ पहुँच गए, देखो ना, इतनी सर्दी में दिल्ली में लाखों लोग पहुँच गए, क्यों पहुँच गए? ये सामान बेच रहा है, ये मैं इसको कहूँगी 50 का दे, या गवर्नमेंट इसका 50 का रेट करते, ये अगर इसको वारा नहीं खाएगा तो नहीं देगा ना। ये जो आदमी प्रोड्यूस बनाता है उसको भी राइट चाहिए, जो उसका कितने का बिक रहा है। आप सिर्फ जो है आज वो अडानी और अंबानी की वजह से मत देश के साथ खेलो ना, उनको आप सारा कुछ कर रहे हो, बेचारे मर रहे हैं। मैं गवर्नमेंट सर्विस हूँ। नहीं, आंदोलन जारी रखे तो रखना चाहिए, जब तक ये हमारे जमींदार की मांग पूरी नहीं होती। जमींदार एक अन्नदाता है जो पूरे देश के पेट पालता है, और उसी साथ आप क्या कर रहे हैं? जो जियो का है इसको करना चाहिए, ये काम ही इन्हीं का है, अडानी बानी का काम है ये, उसी के लिए तो ये सारा जिम्मेदारी को रोल रहे हैं। अगर अडानी बानी का काम ये ना हो, उनका बिजनेस ना हो, जिम्मेदार का ही हो, तो ऐसा हो ही सकता। तो आपने देखा कि इस आंदोलन को लेकर किसानों के प्रति व्यापारियों का रहा मिला जुला हाल। तो आड़ती तो हो ही रहे हैं परेशान, तो लेकिन आम जनता दे रही है किसानों का साथ। आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी, शशि चौरसिया को कैमरामैन दीपक चौहान के साथ। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी, और बेल आइकन दबाना ना भूलें।